हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी एक्सप्लोरर। आजकल भिडियोते एटीके मोहन बागान और एससी ईस्ट बेंगल किछु इम्पोर्टेंट अपडेट देवार आछे, तो भिडियो एकटू स्किप ना करे शेष अब्दि देखार अनुरोध रइल। और जारा प्रथमबार आमार चैनेले एसेछो तारा अवश्य चैनलटी सबसक्राइब कर दिओ, जे कोनो धरनेर स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट सबार आगे पावार जोन्नो। फार्स्टे आसछि एटीके मोहन बागानेर न्यूजे। तो फ्रेंड्स, गतकालकेर भिडियोते तोमादेर काछे आमि क्लियर करेछि एटीके मोहन बागानेर कजन प्लेयार कोविड पजिटिव एबं तारा कारा। तो गतकाल आबार एटीके मोहन बागान शिविरे रैंडम कोविड टेस्ट होयेछे, आज दुपुरे तार रिपोर्ट पावा जाबे, जेटा तोमादेर आमि आगेओ जानियेछि। तारपर बोझे जाबे बेंगालोर म्याचेर जन्य कारा अवेलेबल थाकबेन। तो एर आगे एक बांगाली फुटबलार कोविड पजिटिव होयेछिलेन, बर्तमाने आरो एक बांगाली फुटबलार पजिटिव होयेछेन बोले खबर। तोमादेर गतकाल जानियेछिलाम कोविड दास सम्भवत आक्रांत होयेछेन, तो बर्तमाने एटा कनफार्म कोविड पजिटिव होयेछेन। एर आगे चारजन प्लेयार करोना आक्रांत होयेछिलेन, एबार पाँच नम्बरे नाम लेखालेन कोविड दास। एई मुहूर्ते दाड़िये प्लेयार एबं सपोर्ट स्टाफ मिलिये एटीके मोहन बागानेर टोटाल सातजन प्लेयार कोविड पजिटिव। एबार आसछि एससी ईस्ट बेंगलेर निउजे। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सोहन पोद्दार, ईस्ट बेंगल आमिर दार्भिसेविच के रिलीज कर दिए, जगह नतून मिडफिल्डारे साइनिंग कमप्लीट हो गए। हलन फ्रांसिस्को जोसे सोटा बार्नार्ड, जिन्हें फ्रांस सोटा नामे परिचित। फ्रान हच्छेन एकजन 31 बचर बयसी स्पैनिश अटैकिंग मिडफिल्डार। अटैकिंग मिडफिल्ड छाड़ाओ राइट विंग और लेफ्ट विंगे खेलते पारें तिनी। मार्केट भैल्यू 1.6 कोटी टाका। तिनी मेनलि स्पैनिश थार्ड और फोर्थ डिविशन क्लाबे खेलेछेन। टोटाल 284 मैच खेलेछेन, 35 गोल और 6 असिस्ट रयेछे तार। शोना जाच्छे फ्रान भिसा पेये गेछेन, आगामी सप्ताहे तिनी गोवाय पौंछे जाबेन। तबे प्लेयारटिर सई पर्वेर अफिसियल अनाउंसमेंट एखोनो होयनि, सेइटा होलेओ आमि तोमादेर जानिये देब। एछाड़ा ईस्ट बेंगलेर ब्राजिलियान तरुण स्ट्राइकार मार्सेलो डस सैंटोस आज गोवाय एसे पौंछबेन। एरपर क्वारेंटाइन पिरियड काटिये माठे नामदे नामदे डार्बी म्याच एसे जाबे। सबकिछु ठीकठाक थाकले 29 जानुआरी डार्बी म्याचे लाल हलुद जार्सिते अभिषेक हबे मार्सेलोर। एरपर आसछि रेनेडी सिंगेर निउजे। तो फ्रेंड्स, मानोलो दियाजके सरिये देवार पर तीनटि ম্যাচের জন্য ইন্টারিম কোচের দায়িত্ব সামলেছেন রেনেডি সিং। সেখানে সমস্ত লাল হলুদ সমর্থকদের মন তিনি জিতে নিয়েছেন। ভাঙাচোরা দলকে যেভাবে তিনি ঘুরে দাঁড় করিয়েছেন, জাস্ট আউটস্ট্যান্ডিং। তো গতকাল জামশেদপুরের কাছে হেরেছে ইস্টবেঙ্গল, তো সেটা কোনো ম্যাটার করে না। জামশেদপুরের মতো পূর্ণ শক্তির দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের সম্পূর্ণ ভারতীয় ব্রিগেড দারুণ খেলেছে। তো গতকাল পোস্ট ম্যাচ কনফারেন্সে রেনেডিকে জিজ্ঞাসা করা হয় মারিও রিবেরার সহকারী হিসাবে তিনি কাজ করবেন কিনা। সেখানে তিনি জানান, আমার আর সহকারী হিসাবে কাজ করার কোনো ইচ্ছা নেই, এ ব্যাপারে বুধবার আমি ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলবো। তো এবার দেখা যাক কি হয়। তো আজকে অনেকগুলি আপডেট দিলাম, আই হোপ আপডেটগুলো তোমাদের ভালো লেগেছে। আজ এইটুকু বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আর কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটি কেমন লাগলো। ধন্যবাদ।